वाले हैं। हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं कुलाम का नियम, कुलाम्स लॉ, बड़े ही शानदार तरीके से। देखिए, कुलाम का नियम समझने के लिए हम क्लास 9th में या क्लास 1st ईयर में चले जाते हैं। हमें समझना होगा न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन जो महान साइंटिस्ट थे, अगर न्यूटन का नियम आपने समझ लिया तो कुलाम का नियम तो आप समझ ही जाओगे। ठीक है, न्यूटन ने क्या कहा था? न्यूटन ने ये कहा था कि अगर दो पिंड हैं ब्रह्मांड में कहीं भी, देखिए इसका नियम जो है सार्वत्रिक नियम है। सार्वत्रिक का मतलब ब्रह्मांड में हर जगह न्यूटन का नियम काम करता है। ठीक है, तो न्यूटन साहब ने क्या कहा था कि अगर दो पिंड हैं तो इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये हमने 9th में पढ़ा है न्यूटन का सार्वत्रिक नियम। अब इन दोनों को हम मिला देते थे तो हो जाता था एफ अनुक्रमानुपाती m1 m2 / r². ठीक है, अब ये तो आपको पता ही है, फिजिक्स का स्वभाव है, जब हम समानुपाती का निशान हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाता है, यहाँ पे आ जाता था जी m1 m2 / r². ये हमारा जो है न्यूटन का नियम था। न्यूटन साहब ने ये कहा था कि दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये न्यूटन का सार्वत्रिक नियम था। सार्वत्रिक नियम इसलिए कहा गया क्योंकि ये हर जगह लगता है, ये चांद पे भी लगेगा, ये मंगल ग्रह पे भी लगेगा, ये धरती पे भी लगेगा, हर दो पिंडों के बीच लगेगा। तो ये जिसकी समझ में आ गया होगा, जिसने पढ़ रखा होगा, तो कुलाम का नियम उसके लिए तो बहुत ही आसान है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे कुलाम का नियम। अब हम पढ़ते हैं कुलाम का नियम। हमने दो बिंदु आवेश ले लिए, ये हमने लिया Q1 और ये हमने लिया Q2। अब यहां पे क्या है, न्यूटन वाले में तो केवल आकर्षण बल था, मगर यहां पे क्या है, ये आवेश है। आवेश प्लस में भी होते हैं, माइनस में भी होते हैं, तो जो एक से होते हैं उनमें प्रतिकर्षण बल होता है, जो अलग अलग होते हैं प्लस माइनस उनमें जो है आकर्षण बल होता है। तो यहां पे दोनों बल लगेंगे। ठीक है, अगर ये दोनों एक से हैं, दोनों सपोज करो प्लस प्लस हैं, तब इनमें क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर ये बीच की दूरी इनके r है और ये रखे हुए हैं तो ये एक दूसरे पे प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, ये इधर को बल लगाएगा और ये वाला इस पे इधर को बल लगाएगा, तो यहां पे बल कौन सा लगेगा, प्रतिकर्षण। अगर एक आवेश हमारा जो है एक माइनस का है, माइनस Q1 है, और दूसरा जो है प्लस Q2 है, एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, तब जो बल लगेगा इस पे एक दूसरे का क्या होगा, आकर्षण बल लगेगा। ये इसको खींचेगा क्योंकि माइनस प्लस में क्या होता है, आकर्षण होता है, और प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो तो उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण बल है। तो यहाँ पे दोनों बल काम करेंगे, तो हम ये कहेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ से क्लियर है, ये माइनस का चार्ज है, ये प्लस का चार्ज है, तो इनमें आकर्षण बल है, ये एक दूसरे को खींचेंगे, और ये दोनों सेम है, प्लस प्लस है या माइनस माइनस हो तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो यहाँ पर जो काम कर रहा है वो प्रतिकर्षण बल काम कर रहा है, और यहाँ पे क्या काम कर रहा है, आकर्षण बल काम कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हम जनरल बात करते हैं, गुलाम साइंटिस्ट जो थे उन्होंने कहा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, चाहे वो प्रतिकर्षण बल हो चाहे आकर्षण बल हो, उन दोनों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब F अनुक्रमानुपाती हो गया दोनों के परिमाणों के गुणनफल के, Q1 × Q2 के, समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर दूसरी बात इन्होंने बताई कि ये जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब F व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r² के, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को दोनों को मिलाने पर, समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर
समीकरण एक और दो को दोनों को हम मिला देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें जो मिलेगा वो मिलेगा एफ अनुक्रमानुपाती, समानुपाती कह दो या अनुक्रमानुपाती कह दो, एक ही बात है, क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर दोनों को कंबाइन करी। ठीक है, अब अगर हम ये समानुपाती का निशान हटाएंगे तो जैसा कि हमें पता है यहाँ पे एक नियतांक आगा, तो यहाँ पे एक नियतांक आता है जिसका नाम हम देते हैं के, क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे के की कहानी चलेगी, के क्या है, यहाँ पे नियतांक है और इसका जो नियतांक होता है इनके दो चीजों पे मान निर्भर करते हैं, पहला तो इनके मात्रकों पर और दूसरा माध्यम पर। ठीक है, तो अगर के क्या है, यहाँ पे समानुपाती नियतांक है या अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसका मान इन दोनों के बीच जो माध्यम है उस पर निर्भर करता है। अब ये दोनों ऐसे मान के चलिए कि अगर ये हवा में रखे हैं, हवा में रखे हैं तो जो है ये ज़्यादा बल लगेगा, और अगर हम पानी में हैं, अब ऐसे समझ लीजिए आप कि अगर हवा में हैं तो ये इस तरह से ये हमारा जो है ज़्यादा बल लगेगा, और यही काम अगर हम पानी में करें तो पानी में क्या होगा, बल का मान जो है घट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही माध्यम पर डिपेंड करता है के का मान माध्यम के हिसाब से घट बढ़ जाता है। ठीक, यदि माध्यम वायु है, यदि माध्यम हमारा क्या है, दोनों आवेश वायु में रखे हैं कि माध्यम वायु है, तब जो के का मान होता है, के बराबर होता है हमारा 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है, अब नई चीज, इसे क्या लिखेंगे, मैं लिख भी देता हूं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन इसे हम पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जो कि इसे क्या पढ़ेंगे, एप्सिलॉन नॉट पढ़ेंगे निर्वात की विद्युतशीलता है। निर्वात या वायु की कह सकते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता है। अब इसके बारे में अभी बताऊंगा ये क्या चीज़ होती है, विद्युतशीलता है जिसका मान कितना होता है, जहाँ पर क्या है एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है जिसका मान 8.85 × 10^-12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे ये क्या बवाल है, एप्सिलॉन जीरो क्या होता है, एप्सिलॉन जीरो होता है निर्वात की विद्युतशीलता। अब जब हम हमारे दो आवेश वायु में रखे हैं तो वायु भी जो है जो उस आकर्षण बल पे कुछ प्रभाव डालेगी, तो ये माध्यम की वजह से एप्सिलॉन आ जाता है। अब ऐसा मान लीजिए वायु में अगर मैं हाथ ऐसे चलाऊंगा तो वायु भी इस हाथ को रोकने का काम करेगी, तो ये जितना विरोध करेगी, ये वायु का जो विरोध होता है ये, समझ गए, ऐसे ये पानी में अलग होगा, अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है, यहाँ पे हम वायु की बात कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम 8.85 × 10^-12 इसमें रखेंगे 1/4 pi epsilon 0, तो epsilon इस पूरे का मान अगर हम निकालेंगे तब जो हमें मिलेगा k का मान अगर हम निकालते हैं, k बराबर क्या है 1/4 pi epsilon 0 ये है। अब इसमें अगर मैं मान रख लेता हूँ तो 1/4 × pi का मान 3.14 × epsilon 0 का मान हमने अभी पढ़ा है 8.85 × 10^-12, और इसे कैलकुलेशन करने के बाद इस के का हमें पूरा जो मान मिलता है वो मिलता है 9 × 10^9। तो इस पूरे को कैलकुलेट करने के बाद जो हमें के का मान मिलता है 9 × 10^9, ये याद रखना है न्यूमेरिकल, तो के का मान पूरा कैलकुलेशन करने के बाद मिलता है 9 × 10^9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, अब समीकरण एक से हम कूलाम के नियम को ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ बराबर के की जगह 1/4 pi epsilon 0 q1 q2 / r स्क्वायर
हम कूलम्ब के नियम को ऐसे भी लिख सकते हैं, और हम जान चुके हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9×10^9। तो हम इसका मान जो है 9×10^9 Q1 Q2 / r² भी लिख सकते हैं। तो हम कूलम्ब का नियम ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलम्ब का नियम ऐसे भी लिख सकते हैं, और कूलम्ब का नियम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कूलम्ब का नियम। इसके बाद हम जानेंगे इनके मात्रक निकालने, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और के का मात्रक। ठीक है, तो एक बार और समझ लीजिए कूलम्ब का नियम क्या है। कूलम्ब का नियम क्या है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल। तो एक बार समझ लीजिए कूलम्ब का नियम क्या होता है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण बल या वैद्युत प्रतिकर्षण बल दोनों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसे कूलम्ब का नियम कहते हैं। इतना लिखने के बाद ये लिखेंगे समीकरण एक और दो को मिलाने पर ये लिखेंगे एफ बराबर ये समानुपाती नियतांक आ गया। ठीक है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन, यहाँ पर आप एक लाइन लिखना, यहाँ पर एक लाइन लिखना चाहो तो आप लिख लेना, जहाँ के के एक अनुक्रमानुपाती जहाँ के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, यदि माध्यम वायु है तब के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं इसको, जिसका मान 8.85×10^-12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। के का मान अगर हम ये मान रखें, के का मान अगर हम निकाल दें तो के का मान बैठता हमारा 9×10^9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तब हमारे जो कूलाम का नियम है वो ऐसे हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 / r², या इसका मान रख दिया हमने 9×10^9 Q1 Q2 / r², यहाँ तक लिख देंगे तो आपके पूरे में पूरे नंबर आएंगे। अब हम निकालते हैं थोड़ा आगे। अब ये तो था यदि माध्यम वायु है तब, अब अगर माध्यम इसके बाद अगर अन्य कोई माध्यम है, यदि अन्य कोई माध्यम है यदि अन्य कोई माध्यम है तब के का मान क्या होगा, के का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन m। कोई सा भी माध्यम हो सकता, ठीक है, वो केवल वायु के लिए था। तब हमारा जो है अगर अलग कोई माध्यम है तो हमारा जो है कूलम्ब का नियम हो जाएगा समीकरण एक से, f बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 / r². अब इसका मान अगर माध्यम अलग है तब इसका मान 9×10^9 नहीं होगा, इतना ध्यान आपको रखना है। अब हम निकालेंगे k का मात्रक, एप्सिलॉन जीरो का मात्रक, k का मात्रक कैसे बनाएंगे। हमने अभी पढ़ा है कि कूलम्ब का नियम क्या होता है, एफ बराबर के Q1 Q2 / r². यहाँ से के का मान निकाल लेंगे, ये हो जाएगा f × r² / Q1 Q2 / k। अब देखिए बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ये दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो मीटर स्क्वायर ये क्या होता है, कूलाम इंटू कूलाम। तो के का मात्रक हमारा क्या निकल के आया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा के का मात्रक। ठीक है, अब हम निकालते हैं एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हम निकालते हैं तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा, हमें पता है कि के बराबर कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, k इक्वल टू 4 पाई इंटू के इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4 पाई
इंटू के, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 4 पाई का तो कोई मात्रक होगा नहीं, मात्रक हीन राशि है, और के का मात्रक हमने पढ़ा है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। इसको पलट लेंगे तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, तो ये निकल गए हमारे मात्रक, ठीक है। तो दोस्तों ये था कूलाम का नियम। इसी तरह की मज़ेदार फिजिक्स की वीडियो के लिए हमारे इस चैनल समीम सर को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मैं था समीम अहमद सैफी, आप देख रहे थे आपकी अपनी क्लास फिजिक्स की क्लास। जय हिंद, जय भारत।